नमस्कार, अखिलेश वर्सेस शिवपाल देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। अखिलेश वर्सेस शिवपाल, ये सोचने पे शायद आप थोड़े मजबूर होंगे, कल तक तुम बता रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक होता दिख रहा है, लेकिन फिर ये वर्सेस कहां से आ गया? तो वर्सेस कल के बाद आने वाले कल को इंडिकेट कर रहा है। अब दरअसल ये सोचिएगा कि कल क्या होने वाला है। तो कल है रजत जयंती समारोह सपा का, और उस पर कई बड़े चेहरे मौजूद होने वाले हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन को लेकर जो कवायतें की जा रही थी उसको अमलीजामा पहनाने की कोशिश भी होगी। लेकिन कल भी हमने देखा कि जब शिवपाल यादव मंच पर आए थे, जब रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई जा रही थी, तब जब शिवपाल यादव बोलने आए मंच पर, तो पीछे से नारेबाजी लगातार हो रही थी। वो कर रहे थे जो अखिलेश के समर्थक थे। इस बीच में अखिलेश के समर्थकों को लेकर शिवपाल यादव ने यह जरूर कह दिया है कि जो पार्टी से बर्खास्त हैं उनको किसी भी हाल में जो है रजत जयंती समारोह में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। यानी वो उपद्रवी हैं, उनको उपद्रवी तक कहा गया। यानी जो अखिलेश खेमे के लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं है, और अखिलेश हैं जो अपनों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, और इसी पे आज की चर्चा भी होगी। तो चलिए जरा तस्वीर आपको समझाते हैं। जो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उसमें आप ये समझ जाएंगे कि 5 तारीख को रजत जयंती समारोह, और उस समारोह के बाद इतनी सारी चर्चाएं, भीड़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये देखिए भीड़ की क्या स्थिति हो सकती है। कल ये तस्वीर वो है जो कल हमने देखी थी, जिसमें रथ यात्रा में लोग शामिल होने के लिए गए, और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश के समर्थक किस तरह से सड़कों पर थे। ये तो वो तस्वीर होगी जिसको हमने कल देखा था। लेकिन कल की तस्वीर जो आने वाले कल की तस्वीर है, यानी 5 तारीख की जो तस्वीर है, वो तस्वीर कही जा रही है कि इससे भी ज़्यादा बड़ी होगी। किस लिहाज से बड़ी होगी? तो ये दावा किया जा रहा है कि इसमें रजत जयंती समारोह में जो तैयारियां की गई हैं उसके मुताबिक लगभग 10 लाख के आसपास लोग वहां पे पहुंच सकते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और ये भी कहा गया कि ये शक्ति प्रदर्शन है। 3 तारीख का रथ यात्रा ये दिखाने को काफी था कि अखिलेश यादव ने कितनी जबरदस्त पैठ बनाई है युवाओं के बीच में, और दूसरी तरफ शिवपाल यादव की तरफ से ये कार्यक्रम, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम का जो संयोजक की भूमिका में थे वो थे शिवपाल यादव, और ये कहा गया कि शिवपाल यादव की मौजूदगी दरअसल ये जताने को काफी है कि अगर ये भीड़ 10 लाख के आसपास पहुंचती तो ये दिखाया जाएगा कि अभी भी समाजवादी पार्टी में जो है शिवपाल यादव का कद क्या है, और उनकी एक आवाज पे क्या जनसमर्थन उमड़ता है। लेकिन अब बनाम की बात क्यों आती है, क्यों ये कहा जाता है कि अखिलेश बनाम शिवपाल हो रहा है, तो इसको भी जरा समझिए। थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। जब उस मंच पर आपने देखा कि माइक छीना छप्पी की नौबत भी आ गई, आपने उस घटनाक्रम में यह भी सुना कि आशु मलिक नाम के नेता पर जो है हाथापाई की गई, उनके साथ मारपिटाई की गई, और करने वाले कौन? पवन पांडे। ये कहा गया कि पवन पांडे दरअसल अखिलेश के समर्थन में है। जो 2 खेमा बनता दिखा उसमें पवन पांडे अखिलेश के समर्थन में, और अखिलेश, ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, शिवपाल विरोधी मंच पर और टीपू समर्थक की वो तस्वीरें, सपा की रजत जयंती समारोह की वो जो तैयारी चल रही जिसमें टीपू समर्थक मंजूर नहीं, ये कह दिया गया है। हाँ, तो उसी कड़ी को हम समझा रहे थे कि पवन पांडे को बर्खास्त किया जाता है अनुशासनहीनता की वजह से। बर्खास्तगी के बाद 6 साल का सस्पेंशन होता है, और उसके बाद भी लेकिन मंत्री पद पर पवन पांडे कायम रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में विवाद का नाता तब बढ़ता गया जब ये बताया गया कि शिवपाल यादव ने कई करीबियों को, जो अखिलेश यादव के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उनको लगातार बर्खास्त करने की एक झड़ी सी लगा दी, और ये भी कहा जाने लगा कि उनकी वापसी भी होनी चाहिए, लेकिन वापसी नहीं हुई। कल भी हमने सुना वो शोर शराबा, वो तस्वीर जिसमें शिवपाल यादव जब बोलने आए तो उस समय अखिलेश यादव के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे थे। अब शिवपाल यादव ने कहा कि ऐसे कार्यकर्ता जो ऑलरेडी बर्खास्त किए जा चुके हैं समाजवादी पार्टी से, उन उपद्रवियों को रजत जयंती समारोह में एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी टीपू के समर्थक मंजूर नहीं है अभी भी शिवपाल यादव को, यानी वो टसल अभी तक खत्म नहीं हुआ। यानी वो आपस में जो विचारधाराओं को लेकर कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसको हमने कई बार वॉर जोन में भी महसूस किया, वो दरअसल खत्म हुआ ही नहीं है। अपने मेहमानों के साथ भी हम जुड़ने की कोशिश में लगातार हैं। जैसे ही मेहमान हमारे से जुड़ेंगे हम उनके पास भी लेके आपको चलेंगे। लेकिन ये भी जान लीजिए बहुत ही दिलचस्प ये कड़ी होने वाली है, क्योंकि अब से लगभग चंद घंटों बाद 12 घंटे के आसपास वो तस्वीरें देखने को आपको मिलेंगी जब एक मंच जिसपे रजत जयंती समारोह का आयोजन होगा, जहां पे ये दावा किया जा रहा है कि 10 लाख के आसपास जनसैलाब वहां पे उमड़ेगा और इसे सक्सेसफुल बनाएगा। लेकिन इस जनसैलाब में भी दूरियां,
दूरियां इसलिए क्योंकि जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं जिनको बर्खास्त किया गया है वो कहीं ना कहीं उपद्रवी अब हो चुके हैं और उन उपद्रवियों की एंट्री दरअसल बैन कर दी गई है। तो चलिए मेहमानों के पास हम आपको लेके चलेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ संजीव मिश्रा जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजीव साहब स्वागत है आपका। अब देखिए संजीव साहब, आपके लिए कल की तारीख जो है बहुत खास होने वाली है, ये हम मान के चल रहे हैं। कल की तारीख में बहुत सारी तस्वीरें दिलचस्प दिखने वाली, ये भी हम जान के चल रहे हैं, लेकिन ज़रा समझाइए सर, ये जो हम कह रहे हैं अखिलेश बनाम शिवपाल और ऐसी बातें कहना कि भाई जो सपा कार्यकर्ता बर्खास्त हैं वो उपद्रवी हैं, उन उपद्रवियों को शामिल नहीं करने दिया, यानी सीधे तौर पे आप अखिलेश के जो समर्थक हैं उनको दूर कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये नहीं लगता रोहित जी कि सभी के लिए कहा गया है। वो तो जो कुछ लोग हैं जिनको प्रदेश समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया है उनकी बात हो रही है, तो सारे अखिलेश जी के समर्थक, और अखिलेश जी ने तो खुद कहा जो उनकी रथ यात्रा थी उसमें उन्होंने अनाउंस किया इस बात को और कहा कि सारे लोग वहां पर जो नौजवान साथी हैं हमारे वो सब लोग वहां पर उपस्थित। मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जरा सुनिए, समझिए थोड़ा सा कि अब देखिए बर्खास्त कौन किए गए थे। बर्खास्त वो किए गए थे जो अखिलेश यादव को लेकर नारे बुलंद कर रहे थे, बर्खास्त वो किए गए थे उपद्रवी वो थे जो कम से कम अखिलेश यादव को लेकर सड़कों पर भी थे कि भाई हमारा नेता सिर्फ अखिलेश यादव, हम शिवपाल यादव को नहीं मानेंगे। अगर उनकी एंट्री प्रोविटेड कर दी गई है और ये स्टेटमेंट कोट कर दिया गया है शिवपाल सिंह यादव की तरफ से, तो फिर इस बात को आप क्यों पीछे मतलब उसके पीछे सपोर्ट में खड़े हैं? मानिए ना कि हाँ उनकी एंट्री नहीं होने वाली है, यानी उपद्रवी हो चुके हैं वो। मैंने तो आपसे कहा कि उनकी एंट्री पर अगर शिवपाल जी ने कहा है तो निश्चित रूप से उनकी एंट्री नहीं होगी। अच्छा तो कल किसका शक्ति प्रदर्शन है, कल शिवपाल यादव का है क्या? देखिए कल है 25वां स्थापना दिवस समाजवादी पार्टी का और इसको रजत जयंती समारोह की तरह महासम्मेलन टाइप का मनाया जा रहा है, और इसमें बड़े पैमाने पर जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोहिया जी की विचारधारा के लोग हैं, वो सब लोग शामिल होंगे। और मुझे लगता है कि कल का दिन भी समाजवादी पार्टी के लिए तो ऐतिहासिक अच्छा, होगा ही होगा। संजीव मिश्रा साहब, विरोधी संजीव मिश्रा साहब, मैं मान लिया कि कल समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है, समाजवादी पार्टी की तरफ है। ठीक है, कल मैंने मान लिया कि समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है, लेकिन बीत गया जो कल था वो समाजवादी सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन था, ये आप कह सकते हैं? कल का दिन भी रोहित जी जो था वो मैं समझता हूँ कि विरोधी दलों के तो छींके आ गई होंगे, और जिन लोगों ने देखा होगा टीवी पर कई माध्यम से देखा होगा उन्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि हम 2017 की लड़ाई में कहीं लाइन में नहीं है। नहीं, लाइन में तो सर अब कौन है क्या है, लेकिन दूरियां इतनी दिख रही है ना सर जो बीजेपी को फायदा पहुंचाती दिख रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये दूरियां कैसे कम होंगी, आप देखिए दूरियों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, आप रथ से गायब कर देते हैं प्रदेश अध्यक्ष को, चलिए ठीक है उसके लिए कई सारी दलीलें हो सकती है, मंच पर आते हैं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष में चाचा शिवपाल का नाम लेने में शर्म आती है, नाम लेने से गुरेज करते हैं, तो सर ये तो खटास है, ये दूरियां हैं। शिवपाल यादव बोलते हैं तो उनके समर्थक नारेबाजी करते रहते हैं, तो सर ये क्या है? देखिए रोहित जी, ये चीज तो विपक्षी दलों को के मुंह से अगर मैं सुनता तो बहुत अच्छा लगता। अभी कोई है नहीं ना सर, मैं ही तो कम से कम सवाल पूछ सकता हूँ आपसे। निश्चित रूप से ये इन लोगों को कहने दीजिए जिनके पास मुद्दे नहीं 2017 में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जिन मुद्दों पर इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था उन मुद्दों से विमुख हो गए, महंगाई भ्रष्टाचार और काला धन, कहीं पता ही नहीं चल रहा कि ये भी मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन जनता इनको माफ नहीं करेगी। 2017 का चुनाव देखिएगा, जो राजनीतिक दल चुनाव में किए गए वादों पर खरे नहीं उतरते जनता उनको तीसरे नंबर पिछली बार थे, आपकी चौथे नंबर पर दिखाई दे। अच्छा मतलब आपने तो पूरी प्लानिंग कर ली है कि तीसरा चौथा कौन होने वाला है। वैसे आप बीएसपी को भूल रहे हैं शायद, बीएसपी ने कल की रैली को लेकर कोरा कागज़ वाली फॉर्मूले के साथ बोला कि सिर्फ ये तो दिखावा था, सरकार के जितने भी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और ऐसे कुछ हो नहीं रहा है। सर थ्रेट तो आपको वो दे रहे हैं।
ये रोहित जी, मैं तो कहता हूँ बहुत साफ सी बात, जो तमाम लोगों की बहन जी हैं वो जिस तरीके की बात कह रही हैं, वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बड़े पैमाने पे विकास नहीं किया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 4.5 साल में जनता की लड़ाई और जनता के साथ आपने कितने धरना प्रदर्शन कर दिए सरकार के खिलाफ। दरअसल में सच ये है कि 4.5 साल में जो विकास अखिलेश यादव जी के माध्यम से हुआ और उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, उसमें अब इन दलों के पास धरना प्रदर्शन वाली स्थिति नहीं थी। ठीक है, ये संजीव जी आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास हम आपको सबको लेके चलेंगे, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि अखिलेश वर्सेस शिवपाल की ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसके पीछे दरअसल बुनियादी पहलू भी है। बुनियादी पहलू इस बात को लेकर है कि जो अखिलेश के समर्थन में है, जिनको बर्खास्त किया जाता है, उनको आज की तारीख में उपद्रवी करार दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बुनियादी तौर पर आप ये भी देखिए कि एक मंच जिसको तैयार किया जाता है ये दिखाने के लिए कि विकास की रथ यात्रा निकलने वाली, उस रथ यात्रा से प्रदेश अध्यक्ष के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। सिर्फ यही नहीं, इस एंट्री पर सबसे बड़ा सवाल दरअसल यही उठेगा कि अब जो रजत जयंती समारोह होने वाला है, उस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, उन तैयारियों से उनको दूर रखने की अब कवायद हो जो अखिलेश के समर्थन में है। क्योंकि कल के नारेबाजी की वो तस्वीर भी हमने देखी जब शिवपाल यादव बोल रहे थे, तो इसको क्यों ना माना जाए कि अखिलेश बनाम शिवपाल की लड़ाई है। चलिए मेहमानों के पास लेके चलते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, जीशान हैदर हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी सर बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा वक्त लग गया लेकिन सर बिना देर किए चंद्रमोहन साहब, अखिलेश वर्सेस शिवपाल की स्थिति आपको भी महसूस हो रही है क्या? जी, क्योंकि सपा इंतजार कर रही थी कि ये सवाल अगर आप उठाते ना तो जवाब देते। ये तो हर हालत में है, सवाल आप उठाओ या मैं उठाऊं, ये तो प्रदेश की जनता उठा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये तो देखिए, जो रजत जयंती समारोह के नाम पर कार्यक्रम हो रहा है वो कोई रजत जयंती नहीं है, वो केवल और केवल भतीजे को चाचा का जवाब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कि भतीजे और चाचा की जोर आजमाइश है। कल आप देखेंगे जिस तरीके से कल का कार्यक्रम हुआ तो उसमें मसल्स पावर का प्रदर्शन हुआ, उससे पहले तोड़ फोड़ हुई, बाकी सब हुआ, और जैसा माहौल बना अराजकता का पर्याय था। अब कल जो होगा, क्योंकि चाचा ने कहा कि कहीं ये गड़बड़ ना करें, क्योंकि जिस समय अखिलेश यादव आए उस समय ज्यादा जिंदाबाद के नारे, अखिलेश यादव जिंदाबाद के ज्यादा नारे ना लगें और शिवपाल यादव के ज्यादा ना लगें। और जो लोग उस कार्यालय के बाहर लड़ाई की है ना आपस में, जब समाजवादी पार्टी की बैठक थी, तो वो कहीं दोबारा मारपीट में ना बदल जाए। इसलिए आप देखो, राजनीतिक दल ने आपस के जिनको कह रहे हैं सब कार्यकर्ता है, सब एक समान है, वो SSP और DM से को कह रहे हैं कि पहचान लेना, उनमें से कोई आना जाए, आ गया तो गड़बड़ होगी। अब ये इससे ज्यादा मतलब आप कह रहे हैं कि डर की स्थिति है, मतलब आप कह रहे हैं डर की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस को समाजवादी पार्टी के झगड़े में लगना पड़ रहा है। आप देखो रोहित जी, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश पुलिस किस काम में लग रही है? वो लगी हुई है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के समर्थकों के बीच में झगड़े को बचाने के लिए लगी हुई है। वो इसमें नहीं लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी पकड़े जाएं, अपराधियों को जेल में ठूसने पे नहीं लगी हुई है। उनकी जिम्मेदारी क्या है? सब पर सारी सब जगह आ रहा है कि निर्देशित किया जा गया है कि बर्खास्त लोग घुस ना पाए। ये क्या है? ये वैचारिकी है। ठीक है, एक बार कांग्रेस का भी ओपिनियन ले लेते हैं। वैचारिक राजनीति नहीं है। जीशान हैदर बहुत मुस्कुरा रहे थे जब डॉक्टर चंद्रमोहन बोल रहे थे। खैर, आप बीजेपी को तो मुझे पता है कि आप जरूर जवाब देंगे, लेकिन सर पहले ये बता दीजिए ना, आपको भी क्या अखिलेश बनाम शिवपाल की स्थिति नजर नहीं आ रही है? और क्या ये जो उपद्रवी अब करार दिए जाते हैं, जो कल को सो कॉल्ड इनके कार्यकर्ता थे जो अपनी पार्टी के लिए हमेशा खड़े थे, अब उपद्रवी हो गए, तो ये परिभाषा इतनी जल्दी बदल क्यों गई? देखिए, परिभाषा तो उसी दिन बदल गई थी जिस दिन उनको निष्कासित किया था शिवपाल यादव, जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बने लगते हैं, हमें लगता है उसी दिन परिभाषा बदल गई थी। और हम संजीव जी से पूछना चाहते हैं कि संजीव जी, कल ज्यादा भीड़ होगी कि परसों ज्यादा भीड़ थी? देखिए, वहां पे मसल पावर दिखाया जा रहा है और हमें लगता है अखिलेश यादव ने अगर ज्यादा भीड़ दिखाई है तो अब वहां पे ये उस खेमे में ये 10 लाख का दावा कर दिया गया है। तो देखिए जिस तरह की जी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, अब दावे शुरू हो जाएंगे। वो कहेंगे हमारे में ज्यादा भीड़ थी, वो कहेंगे हमारे में ज्यादा भीड़ थी। और आप देखिए, वो खाई इतनी ज्यादा पहले से ही हमें लगता है हो चुकी है कि अब वो पटने की जगह बची नहीं है। तो अब जिस तरह से हमें लगता है कि अखिलेश यादव जी ने, आपको याद होगा मंच के ऊपर से अखिलेश जी ने नाम नहीं लिया शिवपाल का, जबकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके रिश्ते में चाचा सगे चाचा भी हैं, नाम तक नहीं लिया। उसके बाद नीचे जो जिस तरह के नारे लगे, शिवपाल जी के नारे नहीं लगे वहां पे।
तो हमें लगता है यही सारी चीजें अब कल का जो इनका फंक्शन होने जा रहा है उसमें भी देखने को मिलेगा। हमें लगता है उसमें भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा कि हो सकता है अखिलेश जी के नारे ना लगे, हो सकता है वहां पे, अब आप देखिए जो होर्डिंग्स लखनऊ पार्टी जा रही है उन होर्डिंग्स में शिवपाल जी का अखिलेश जी का चेहरा है, लेकिन शिवपाल जी का चेहरा पहले है, अखिलेश जी उनके पीछे लगाए गए। आप जितनी होर्डिंग्स लगाई गई शिवपाल जी, अरे कम से कम हैदर साहब इस बात की तारीफ कीजिए कि होर्डिंग में चेहरा तो डाल दिया आपने, रथ से शिवपाल यादव का चेहरा ही गायब कर दिया था। हाँ देखिए, आप देखिए वो तो इनकी मजबूरी है, देखिए रोहित जी आपको भी पता है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं उन्हें वो वहाँ पे जो है परमिशन ही देने से मना कर दें तो क्या हो सकता है। क्योंकि जो हालात आज प्रदेश में पहुँच चुके हैं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की लड़ाई के, हमें लगता है वो बिल्कुल आखिरी मुकाम पे है। और अभी देखिए आप आगे आगे देखिए होता है क्या वाला माहौल है इस वक्त समाजवादी पार्टी में। अब सबसे हमें तो बेचारे संजीव जी जैसे वर्कर्स के ऊपर होता है, नेताओं के ऊपर होता है कि बेचारे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे, आज इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश के नारे लगाएं कि शिवपाल के नारे लगाएं, ये अखिलेश जी से मिले कि शिवपाल जी से मिले। संजीव मिश्रा साहब समाजवादी पार्टी के साथ या समाजवादी सरकार के साथ, क्या ऐसी दुविधा की स्थिति हो गई है क्या जो विपक्षियों ने देख ली? देखिए विपक्षी तो नहीं, जीशान अपने भाई की तरह हैं। अच्छा, वो मतलब दोस्ती हो रही है शायद गठबंधन को लेकर, इसलिए बोल रहे हैं क्या भाई की तरह? लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से एक एक आदमी का अपना अपना कुनबा है, उस तरीके की समाजवादी पार्टी में स्थिति नहीं। और ये तो हताश और निराश लोग हैं, तो बहुत साफ सी बात कहूँगा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो मुझे उनके चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी वो दिखाई दे रही थी कि 2017 में इनकी क्या स्थिति होगी। सबसे बड़ी बात है और बहुत साफ सी बात है कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि अगर ये दोनों लोग और दोनों जो भीड़ की बात कर रहे हो, जो अलग अलग की बात कर रहे हो कि मैं कहाँ होऊंगा कहाँ नहीं होऊंगा, ये समाजवादी कुनबा है, समाजवादी एक रहेंगे। और जब ये अच्छा मिश्रा जी इन लोगों की क्या स्थिति होगी जो विपक्ष? ठीक है मिश्रा जी एक पॉइंट, हालांकि मुझे नहीं लगता था कि मैं इस पे आता, लेकिन आपने कुछ ऐसी बातें छेड़ी दी है कि 2017 में क्या स्थिति होगी। सर कई एजेंसियां कई सर्वेस करा रही, मैं उन पे एतवार दरअसल करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि कई पैनलिस्ट बैठते हैं, कई मेहमान बैठते हैं जो इन सर्वेस को लेकर अपने दम भरते हैं कि देखिए हमारे सर्वे में ये आगे हैं। हालांकि उसमें खुशखबरी ये है अखिलेश यादव के नाम पर आगे जरूर है सपा, लेकिन कई एजेंसी ये भी बता रही है कि इस झगड़े से अगर सबसे ज्यादा कोई प्रॉफिट पे है ना सर, तो वो बीजेपी है, और बीजेपी इतनी लीड ले चुकी है कि शायद आपको बहुत पीछे छोड़ चुकी है। तो सर चुनौती आपके लिए इस लड़ाई से, बीजेपी तो फायदा ही देख रही है। देखिए कोई मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन बीजेपी से जब जनता के बीच में जाएगी और जब इनसे पूछा जाएगा, इनके नेताओं से, इनके विधानसभा के प्रत्याशियों से कि 200 रुपए के अरहर की दाल बिकवा दी, वो 15 लाख रुपए कहाँ हैं, वो भ्रष्टाचार के नाम पर चिकी घोटाले और व्यापम घोटाले जैसे बड़े घोटाले, और 251 रुपए मोबाइल देने के वाले लोग, ये बड़ी बड़ी फोटोएं छपवा करके गाजियाबाद में इतनी बड़ा हिसाब किताब बनाने वाले लोग, आज ये किस चीज़ का जवाब देंगे? इन्होंने किया क्या 3 साल में? पूछ लेते हैं डॉक्टर चंद्रमोहन है कि जनता इनसे जवाब मांगेगी। डॉक्टर चंद्रमोहन तो 100 दिन में इस झगड़े से फायदा हो रहा है क्या आपको? काला धन लाएंगे। और ये देखिए उसके बाद संजीव मिश्रा क्या कह रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है, जनता इनको मुंह जनता की बात है। डॉक्टर चंद्रमोहन आज वक्त बहुत 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 कम है मेरे पास। संजीव जी जी रोहित जी संजीव मिश्रा जी को जो कहना चाहिए वही कह रहे हैं बेचारे। इनके साथ हमारी सहानुभूति है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये, अब इस समय सहानुभूति के पात्र हैं। आप इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और सारे लोग समाजवादी पार्टी एक ही राग अलाप रही है, उनसे जब पूछा जाता है कि महागठबंधन क्यों, कांग्रेस के दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रहे हो, क्यों वहां पर शीश झुका रहे हो कांग्रेस के सामने, अब बोलिए मत बीच में, सुन लीजिएगा। मैं नहीं बोलता, क्यों, आप बोल लीजिए पूरा। क्यों 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 सर झुका रहे हो कांग्रेस के दरवाजे पर? तो कह रहे हैं कि हम इसलिए सर झुका रहे हैं नीतीश कुमार के दरवाजे पर जाके, हम लालू प्रसाद यादव के दरवाजे पर जाकर और केसी त्यागी के दरवाजे पर, अजीत सिंह के दरवाजे पर, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। इसका मतलब रोहित जी वही बात है जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो आने वाले को ही रोका जाता है। अगर हम आने वाले नहीं होते तो शिवपाल यादव बिलाप क्यों कर रहे होते? शिवपाल यादव का बिलाप बता रहा है कि आने वाले हम हैं, हम आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। क्योंकि इनके रथ को रोकने के लिए, इनका जो सत्ता का रथ है,
इनका मतलब डॉक्टर चंद्रमोहन आप ये कह रहे हैं से प्रारंभ हुआ कांग्रेस कांग्रेस में इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है कि अखिलेश यादव ने रोकने के लिए उसका साथ मिल गया तो शायद रोका जा सकता है। ये अब यही होगा यही होगा। देखिए आप जिस स्थान पर मैं अपनी बात पूरी करूंगा जिस स्थान पर अखिलेश यादव ने शपथ ली और शपथ ग्रहण के साथ जो प्रदेश में अराजकता की शुरुआत हुई वो पूरे समय चलती रही अराजकता और अराजकता चलती रही। कल भी अराजकता थी और उस अराजकता को किसने दिया उस अराजकता को साफ दिया है उस अराजकता को हाय किसकी लगी तो लोहिया पथ पर चढ़ते हुए लोहिया जी की आत्मा ने उस रथ को रोका है। जो कल रथ रोका है वो लोहिया जी की आत्मा ने रोका है क्योंकि ये परिवारवाद और जो जो उत्तर प्रदेश में अराजकता है उस अराजकता जो आप बताओ बरेली में छात्राएं पत्र लिख रही है मुख्यमंत्री के नाम कि हमको सहोदय से बचाओ अलीगढ़ की छात्राएं पत्र लिख रही है कि हमें सपाइयों से बचाओ और अरे भाई इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा की आत्मा आपको रोक रही है। इस रथ को रोकने के लिए जो सत्ता का रथ है अहंकार का रथ है मुख्यमंत्री का अहंकार जो व्यक्ति अपने परिवार में नहीं रख सकता वो उत्तर प्रदेश का बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है और इस झगड़े से सबसे ज्यादा फायदा उठाती भी खुद को देख रही है लीड करी और देखिए मौका भी आप लोग दे रहे हैं कह रहे हैं कि हम गठबंधन बनाएंगे सबके निशाने पर बीजेपी यानी बीजेपी चुनौती दे रही है तभी तो सबके निशाने पर है। नहीं नहीं इस बात में मैं संजीव जी के साथ बिल्कुल मतलब इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए होता क्या है ना कि ये एक कॉन्फिडेंस होता है एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही है। इनको इतनी गलतफहमी हो गई है जबकि ये नहीं देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव जब हुए थे उसके बाद से हर जगह हार का मुंह देखना पड़ा है क्योंकि झूठ कब तक चलेगा झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते हैं झूठ के पैर खत्म हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी समझ रही अभी तक चंद्रमोहन जी अभी जवाब देंगे मुझे मालूम है तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना झूठ बोला है जितना झूठ बोला है हमें लगता है आज तक इस देश के इतिहास में किसी पार्टी ने इतना झूठ नहीं बोला जितनी माननीय चंद्रमोहन जी की पार्टी ने बोला है। तो कहां तक कब तक झूठ देखिए जनता इस वक्त बिल्कुल जिस तरह से आप सब्जी के दाम देखिए अब इन सब चीजों के ऊपर चंद्रमोहन जी एक वर्ड नहीं बोलेंगे अभी जब आप इनसे पूछेंगे तो ये दूसरी बातों पे आ जाएंगे। आज सब्जी के दाम कहां है आज दाल के दाम कहां है आज डीजल पेट्रोल के रेट कहां है आज आप जी 15 लाख रुपए आज अकाउंट में आने वाले थे वो जुमला बन गया मतलब जितनी चीजें बोली गई थी जितनी चीजें झूठ मतलब बड़े बड़े स्टेज लगा के जिस तरह से झूठ प्रचार किया गया था लगातार हर चीज के ऊपर ये लोग झूठ बोल के आए और जनता ठगी महसूस कर रही। तो हमें लगता है जिस तरह से दिल्ली हारे हैं बिहार हारे हैं चंद्रमोहन जी यहां पे भी हारेंगे और उसके बाद भी चंद्रमोहन जी के जीते का सलाम करते हैं जीतेगा कौन उसके बाद भी तरह डगे रहेंगे क्योंकि भारतीय जनता कांग्रेस या सपा या दोनों कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगी इस बार सपा के साथ मिलकर बिल्कुल नहीं कोई सपा का हमारे देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है हमारे प्रभारी गुलाम नबी आजाद साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी मैं उस दिन भी आपके चैनल पे बोल के गया था और आपने फुल उसमें चलाया भी था और आज फिर मैं वही बोल के जा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। चंद्रमोहन साहब जवाब दीजिएगा उससे पहले मिश्रा जी को सुन लेते हैं। संजीव मिश्रा कुछ कह रहे थे आप मिश्रा जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए रोहित जी चंद्रमोहन जी की इसमें गलती नहीं है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं 25 साल तक सारे चुनाव जिताओ तभी वो वादे पूरे करेंगे जो वादे करके आए थे और उसके बाद लगातार ये चुनाव हारते गए। तो मैं इसमें चंद्रमोहन जी की गलती नहीं कह रहा महाराष्ट्र बहुत साफ सी बात है महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो हालात है जम्मू कश्मीर का चुनाव पहले हुआ इनको माफ नहीं करेगी इनका व्याकुल होना आप देख रहे हैं जिस तरीके से व्याकुल हो रहा है देश को बचाने के लिए तरीके से ये व्याकुल जाएंगे को धक्का मारने के लिए प्रदेश नहीं हम महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी के लिए व्याकुल 2017 में जो होगा देखेंगे ही आप चुनाव वाली क्या स्थिति बनने वाली है 200 रुपए की अरहर की दाल 2017 में आपके ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी क्या बात करते आपके पास परिवार ही नहीं है आपके नेता के पास परिवार नहीं है आपके नेता के पास परिवार ही नहीं है
और आप 25 साल से जो बात कर रहे थे वो देखते जाइएगा 2017 के। अच्छा, जिशान हैदर मैं आपको भी शामिल करूंगा। जिशान हैदर, आपको लग रहा है कि सपा जो है अखिलेश और शिवपाल के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, क्यों नहीं बात करना चाह रही है? केवल बोलने से काम नहीं चलता, मन की बात मत करो, काम की बात करो। सुन लीजिए, पता है कि आज जिस तरह से चचा भतीजे में लगड़ा चल रहा है, संजीव मिश्रा सुन लीजिए, ये तो देखिए संजीव मिश्रा सुन लीजिए, जिशान हैदर को आपको दौड़ाएगी, सक्सेस नहीं होने, केवल जिशान को, जिशान हैदर को सुन लीजिए, संजीव मिश्रा कोई काम नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जिशान बोलिए साफ हो गया है, रोहित जी हमें लगता है जिस तरह से समाजवादी पार्टी में आज जिस तरह से लड़ाई है, देखिए अब आपकी आवाज को भी दबाना चाह रहे हैं, जिस तरह जिशान हैदर आपकी आवाज को भी दबाना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि ना हम चर्चा करें, ना हम चर्चा करें, ना कांग्रेस के लोग ही चर्चा कर पाए कि आखिर चल क्या रहा है सूबे में। करने दे संजीव मिश्रा, संजीव मिश्रा सुन लीजिए, संजीव मिश्रा सुन लीजिए, संजीव मिश्रा भी थोड़ी देर पहले अपने भाई कहा था, अरे सर भाई की आवाज को सुन तो लीजिए, मिश्रा जी अपने भाई को सुन तो लीजिए, अरे संजीव मिश्रा भाई को सुन लीजिए, जिशान साहब बोलिए, देख लीजिए सर रिश्तेदारी खत्म कर ली उन्होंने। देखिए होता क्या है, भारत देखिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ वही है कि एक सिक्के के दो पहलू, दोनों आपस में जो है जिस तरह से आपके मोहन, दोनों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और जनता में गलत मैसेज जा रहा है, जनता में गलत मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। संजय मिश्रा बात को समझिए, आप विवेक से बैठे हैं संजय मिश्रा, प्लीज, जनता पार्टी ने कोई वादे नहीं किए और हमने सारे वादे किए, मुझे लगता है फिर आप दोनों के ऑडियो लेवल को डाउन कराना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं, ऐसे सच नहीं हो सकते। हमने जिस तरीके से संजय मिश्रा जनता को डिसाइड करने दीजिए, काम हुआ संजय मिश्रा जनता को डिसाइड करने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तरीका नहीं है डिबेट का, संजय मिश्रा ये डिबेट का तरीका बिल्कुल नहीं है, ये डिबेट का तरीका बिल्कुल नहीं है सर, आपकी आवाज जनता भी नहीं सुन पा रही, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे सर, एक एक करके, एक एक करके सर, एक एक करके, 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 जिशान हैदर, जिशान हैदर, जिशान हैदर, अभी बारी जिशान हैदर की है, डॉक्टर चंद्रमोहन यहाँ क्या बोले, यहाँ पे जिशान हैदर, हमें लगता है जिस तरह का ये माहौल यहाँ पे स्टूडियो में चंद्रमोहन जी और संजीव जी ने बनाया है, हमें लगता है इन लोगों को लेपल की भी जरूरत नहीं थी, जिस तरह से चिल्ला रहे थे स्टूडियो में, आप लोग एक बहुत बड़ी दो पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें लगता है इस तरह से चीख चिल्ला के आप लोग एक अपने खुद की जो है इमेज और अपनी पार्टी की खराब कर रहे हैं, हमें लगता है इस तरह से बहस नहीं होगी। क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश और शिवपाल के मुद्दे पर चर्चा करने से दूर भागना चाह रही है? जिशान नगर बिल्कुल, देखिए बिल्कुल भागना चाहे, बिल्कुल भागना चाह रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से अखिलेश और शिवपाल यादव में जिस तरह से लड़ाई चल रही है, जग जाहिर है, सबको दिख रहा है। आज आप देखिए जिस कंक्लूड कीजिए सर, यादव फोन करके कह रहे हैं कि उन लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए जो नेता निकाले गए हैं, तो मतलब इससे साफ साफ जाहिर है कि, और वो वही नेता वो सारे अखिलेश जी के फंक्शन में, अखिलेश जी की जब यात्रा निकली थी तो सब स्टेज के ऊपर मौजूद थे, तो आप देखिए जिस तरह से उन्होंने सबको एंट्री की और उन्होंने इनकी सबकी एंट्री बैंड कर दी, इससे पता चलता है कि समाजवादी में कुछ सही नहीं है। चाचा देखिए मिश्रा जी, मिश्रा जी अब तो चूंकि मुझे वक्त खत्म करना है, मतलब वक्त मेरा खत्म हो चुका है इस शो के लिए, मैंने इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग थोड़ा थोड़ा वक्त देता, मैं आप लोग कंक्लूड करते, अब मैं वक्त भी नहीं दूंगा सर, आपका पक्ष भी नहीं रखूंगा, मजबूरी भी मेरे साथ है, लेकिन ये जरूर कहूंगा सर अच्छी इमेज नहीं बन पा रही है, और यही कम से कम बीजेपी को फायदा भी पहुंचा रही है, भले ही आपको लग रहा है नुकसान है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारी चीजें घर के विवाद के बाद जनता सोच बदलने पर मजबूर होती है, मैं तो सिर्फ इतना आपसे समझा रहा था। खैर बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा साहब जुड़ने के लिए, डॉक्टर चंद्रमोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिशान हैदर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और शिवपाल बनाम अखिलेश की जो लड़ाई है क्या वाकई कल के उस मंच पर भी नजर आएगी, और अगर आएगी तो किस दिशा में ये तस्वीर दिखेगी, ये तस्वीर और क्या कुछ दिखाएगा, समझाएगा, समझिएगा जरूर, बने रहिएगा हमारे साथ, अभी के लिए इतना ही।